तो दोस्तों बाय एप्लीकेशन में ट्रेड करके अपना जो रेफरल बोनस है या फिर कोई भी बोनस इस एप्लीकेशन में मिलता है वो किस तरह से निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एसेट्स में आके यहाँ पे डेरिवेटिव्स अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस आ जाएगा मतलब जो रेफरल बोनस या नॉर्मल कोई भी बोनस इस एप्लीकेशन में मिलता है वो डेरेवेटिव अकाउंट के यहाँ पे यूएसडीटी में क्रेडिट हो जाता है उसे अपने को कहाँ पर डालना है स्पॉट वाले सेक्शन पर तो यहाँ पे डेरेविटिव में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसडीटी फोर्टी डॉलर है मेरा तो अभी मैं क्या करूँगा डेरीविटिव के थर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाऊँगा और यहाँ पे ऊपर मुझे ट्रेड करना है तो ट्रेड के लिए सबसे पहले ऊपर क्लिक करके मुझे यहाँ पर शिप कॉइन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप शिप टाइप कर दो और ये कॉइन आ जाएगा उसे सेलेक्ट कर देना उसके बाद यहाँ पे लिमिट रहेगा बाय डिफॉल्ट उसे मार्केट कर देना और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक स्केल मिल जाएगी जिसे आप आगे और पीछे कर सकते हो कितना भी परसेंटेज जो है वो लगा सकते हो ओपन लॉन्ग या फिर ओपन शॉर्ट पे तो अपने को यहाँ पे क्या करना है 50 परसेंट ग्रीन वाले पे यानी कि ओपन लॉन्ग पे लगाना है 50 परसेंट ओपन शॉर्ट पे लगाना है मेरे यहाँ पे अवेलेबल फोर्टी दिखा रहा है आप यू एस और आपके केस में ट्वेंटी यू दिखा रहा होगा अगर आपने किसी को रेफर किया होगा तो ठीक है तो हम लोग दस यू ओपन लॉन्ग पे लगाएंगे दस यू ओपन शॉर्ट पे लगाएंगे तो यहाँ पे मैं फिफ्टी परसेंट सिलेक्ट करके फटाक से ओपन लॉन्ग पे क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा उसके बाद आगे लेके जाऊंगा रेड पे क्लिक करूंगा और कंफर्म कर दूंगा तो टेन लग गया ओपन लॉन्ग में ओपन शॉर्ट में टेन लग गया तो यहाँ पे अपने दोनों ऑर्डर जो है लग जाएंगे उसके बाद अपने को टीपी स्लैश एस पे क्लिक करके फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट दोनों ऑर्डर के लिए कर देना है यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट वाले के लिए कर दिया अभी वापस शॉर्ट के लिए भी कर दूंगा मैं फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट इतना करके छोड़ देना है जैसे ही यहाँ पे आपका जो है ये अभी चालू हो गया देखो फोर परसेंट वन परसेंट दिखा रहा है ये रेड के लिए और ग्रीन के लिए दोनों के लिए ठीक है जैसे ही फिफ्टी परसेंट यहाँ पर हो जाएगा अपने ये जो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे और जितना भी यू था आपका स्पॉट वाले में आ जाएगा बट एक बात ध्यान रखना जब भी ओपन और लॉन्ग ये जो प्रोसेस करोगे मतलब 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट लगा रहे वो जितने जल्दी हो सके फटाफट अपने को करना है क्योंकि एंट्री शॉर्ट और लॉन्ग में अपनी एक साथ हो जाए और दोनों ऑर्डर एक साथ एंड हो जाए तो दोस्तों पंद्रह बीस मिनट के बाद आपका जो है फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट दोनों में लॉन्ग और शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो ऑर्डर्स है यहाँ से हट जाएंगे फिर आपका करना एसेट्स में जाना डेरीविटिव में चले जाना वहाँ पे यू के अंदर चले जाना बिकॉज आपका यू अभी भी वहीं पर ही है उसे अपने को स्पॉट में डालना है तो यू एस पे क्लिक करो ट्रांसफर का बटन मिल जाएगा नीचे उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ्रॉम में क्या करना है डेरीविटिव लिखना है और टू में स्पॉट uh, डालना है तो साइड में एक बटन रहेगा उसके ऊपर स्विच का बटन पे क्लिक कर दो ऊपर नीचे हो जाएगा डेरी ऊपर चाहिए स्पॉट नीचे चाहिए यहाँ पे ऑल कर देना जितना यू एस है मेरा ट्वेंटी सिक्स था तो पूरा का पूरा मैं क्या करूँगा ट्रांसफर कर दूंगा जैसे ट्रांसफर करूंगा पूरा यूएस डी निकल के डेयरी विडोज़ में से स्पॉट पर चला जाएगा और एक बार स्पॉट में चला गया तो आप उसे निकाल सकते हो मतलब वापस जो एक्सचेंज आपने यूज़ किया था वह एक्स कॉइन डी सिक्स उधर डाल सकते हो बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक कॉइन खरीद करना पड़ेगा कोई भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ से परचेस कर सकते हो तो यहाँ पे एक्सएलएम परचेस कर लो बिकॉज उसका ट्रांसफर रेट थोड़ा कम है तो यहाँ पे अभी यू में आप देख सकते हो थर्टी फोर डॉलर मुझे दिखा रहा है स्पॉट के अंदर मेरे पहले भी कुछ डॉलर्स यहाँ पे पड़े थे तो टोटल मिला के थर्टी फोर डॉलर हो गए ठीक है तो वापस आपको स्पॉट पे आना है स्पॉट में आने के बाद यहाँ पे करेंसी में एक्सएल एम सेलेक्ट कर लेना जैसे कि हम लोगों ने शिप सेलेक्ट किया था और अपने को पूरा थर्टी फोर डॉलर्स का परचेज़ कर लेना है एक्सेलम जिसे हम लोग किधर डालेंगे वजीर या फिर कॉइन कॉन्डीसी कौन से भी एक्सचेंज है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके एक्सएल टाइप कर लेना आ जाएगा ये क्यों सेलेक्ट कर ले बिकॉज इसको जो ट्रांजेक्शन रहता है उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो कम लग जाते हैं तो यहाँ पे उसके बाद ये स्केल जो है वो 100 परसेंट कर देना बिकॉज अपने को यू पूरा का पूरा कंज्यूम करना है और बाय एक्सल पे क्लिक कर देना जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑर्डर जो है आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा और स्पॉट में ही एक्सेल का ऑप्शन आ, आ जाएगा जहाँ पे आपका एक्सएल रहेगा जैसे कि आप क्या कर सकते हो ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने एक्सचेंज में तो थोड़ा वेट कर लो कभी कभी ऑर्डर कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया देखो ऊपर नोटिफिकेशन आया मुझे मैं वापस चला जाता हूँ स्पॉट के अंदर और आपको एक बार एक्स दिखा देता हूँ यहाँ पे देखो एक्सेल ऐड हो गया 89 नाइन एक्सल एम यहाँ पर ऐड हो चुके तो अभी मुझे क्या करना है इसे विड्रॉ करना है तो विड्रॉ बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको जो है टैग डालना है और अकाउंट का आई मिल जाएगा तो एक्सचेंज पर आपको वो आपका जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो वहाँ पर मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं वजीर का यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों वजी से अकाउंट पे चले जाना और वहाँ से फंड्स में चले जाके यहाँ पे एक्सल टाइप कर लेना ऊपर एक्सेल एम सिलेक्ट कर लेना डिपॉजिट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा पहले भी एक डिपॉजिट करके रखा है मैंने तो उसके ऊपर क्लिक कर देना ठीक है उसके बाद यहाँ पे वो जो आईडी मिलेगा आपको उसको कॉपी करके यहाँ पर पे आपको पेस्ट कर देना है और टैग भी मिल जाएगा वहीं पर ही टैग भी वैसे ही यहाँ पर पेस्ट कर देना है दोनों चीज़ें पेस्ट कर देने का आपको ईमेल आईडी पे ईमेल आ, आ जाएगा कैप्चा पूछेगा वो कैप्चा कंप्लीट कर देना बस ईमेल आईडी पे आपके एक ओ आ जाएगा वो डालना पड़ेगा और गूगल ऑथेंटिकेटर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और वहाँ पे ओ आता है वो भी यहाँ पर डालना है सिक्योरिटी के लिए उन लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेटर भी दिया हुआ है उसका भी ओ टी पी एंटर करना पड़ेगा बस उतना ही करना है तो फिर आपका जो एक्सएलएम है आपके एक्सचेंज में कुछ ही टाइम में आधे एक घंटे में आ जाएगा और फिर उसे आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में आ, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मैं ट्राई करूँगा आपका जो क्वेरी रहेगा उसको आंसर करने का ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय